डियर स्टूडेंट्स, नौवीं कक्षा के विज्ञान के पांचवें चैप्टर जीवन की मौलिक इकाई के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम कुछ महत्वपूर्ण कोशिका अंगकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो एक कोशिका के अंदर आपको बहुत से कोशिका अंगक मिलेंगे, लेकिन हमारे सिलेबस में पांच अति महत्वपूर्ण कोशिका अंगक दिए हुए हैं, जो है अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड्स। तो ये कोशिका अंगक जो है इतने महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं? क्योंकि कोशिकाओं के अंदर बहुत ही निर्णायक कार्य करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य जो है ये कोशिका अंगक करते हैं। तो इनमें से देखिए कि दो कोशिका अंगक जो है अंतर्द्रव्य जालिका और गाल्जी उपकरण, इनको हम इसी फोर्थ लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी बचे हुए तीन जो कोशिका अंगक हैं इनको हम पाँचवें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि अंतर्द्रव्य जालिका होती क्या है। अंतर्द्रव्य जालिका को हम इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और यहीं से जो है इसको शॉर्ट में हम ईआर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि अंतर्द्रव्य जालिका या ईआर को समझने के लिए यहाँ पर ये चित्र देखिए। ये कोशिका का चित्र है। इस कोशिका में देखिए कि यहाँ पर ये कोशिका का क्या है, केंद्रक है, और ये केंद्रक की झिल्ली आपको दिखाई दे रही है। और ये जो है एक प्लाज्मा झिल्ली जो है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ तो आपको याद भी होगी कि ये प्लाज्मा झिल्ली है। अब देखिए कि केंद्रक झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में कुछ झिल्ली युक्त नलिकाएं और थैलों के रूप की एक संरचना होती है, जो पूरी कोशिका के अंदर फैली होती है। और यहाँ पर आप ये देख भी सकते हैं कि ये वाली जो संरचना है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको हाइलाइटर से दिखाता हूँ कि ये वाली जो संरचनाएं जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका है। अगर अंतर्द्रव्य जालिका को हम जूम करके देखें तो देखिए यहाँ पर ये जो मैंने सर्कल कर रखी है, ये अंतर्द्रव्य जालिका ही है। देखिए इस तरह से थैली नुमा संरचना है, और ये पाइप जैसी संरचना है, नलिकाओं जैसी संरचना है, और ये झिल्ली युक्त होती है। ठीक है, और कहाँ फैली होती है? पूरी कोशिका के अंदर इन दोनों झिल्लियों के बीच में फैली हुई होती है। अब आगे देखिए कि अंतर्द्रव्य जालिका जो है दो टाइप्स की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरी है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक, तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका देखिए यहाँ पर हमने इसको ऐसे डॉट डॉट से ऊपर लगा करके इसको खुरदरी दिखा रखी है, चिकनी वाली सिंपल दिखाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि चित्र छोटा सा है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर जूम करके दिखा रखी है। देखिए ये खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है और ये वाली जो है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। और चिकनी जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है, इसके ऊपर आपको यहाँ पर ये डॉट डॉट से जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये वास्तव में क्या है? राइबोसोम्स हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स क्या करते हैं? मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं ये। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर क्या होते हैं? राइबोसोम नाम के कोशिकांग होते हैं, जो मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। और दूसरी आती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, ये वाली। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर क्या होता है कि मुख्य रूप से यहाँ पर क्या बनती है? वसा बनती है। तो देखिए यहाँ पर क्या बने? प्रोटीन बना और वसा बनी। अब ये वसा और प्रोटीन जो है इनका काम क्या है? ये कोशिका के अंदर जो है झिल्ली बनाती है और झिल्लियों की मरम्मत करती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ से बने प्रोटीन और वसा का काम क्या है? झिल्लियों को बनाना और उनकी मरम्मत करना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ कि जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है इसको हम शॉर्ट में RER बोल देते हैं। जैसे अंतर्द्रव्य जालिका को हम ER बोलते हैं ना, और जो खुरदरी है, खुरदरी का को इंग्लिश में कहते हैं रफ, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो RER जहाँ पर लिखा हो तो आपने समझ जाना है कि हम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका की बात कर रहे हैं। इसी तरह से चिकनी को कहते हैं इंग्लिश में स्मूथ, स्मूथ का S ले लिया और आगे ER आपको पता ही है। तो जहाँ पर SER कहीं लिखा हो ना, उसका मतलब क्या है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है। ठीक, तो ये याद रखना है SER और RER। तो अब ये देखते हैं कि अंतर्द्रव्य जालिकाओं के काम क्या है। तो देखिए कि ये जो कोशिका द्रव्य जो है ना, इसके एक भाग से दूसरे भाग तक जो पदार्थों का परिवहन करने में ये अंतर्द्रव्य जालिका जो है नलिकाओं का काम करती है।
अब देखिए कि कोशिका द्रव्य के एक भाग से दूसरे भाग तक तो ये पदार्थों का जो है परिवहन करती है, मुख्य रूप से प्रोटीन का परिवहन करती है। साथ के साथ जो है जो केंद्रक और जो कोशिका द्रव्य है इसके बीच में भी जो है पदार्थों का आदान प्रदान ER के थ्रू होता है, अंतर्द्रव्य जालिका के थ्रू होता है। दूसरा जो है ये अंतर्द्रव्य जालिका जो है कोशिका का जो है कंकालीय फ्रेमवर्क, कंकालीय फ्रेमवर्क का मतलब जैसे इसको जैसे बॉडी को हड्डियां सहारा देती है ना, इस तरह से ये जो है कोशिका को सहारा देती है, उसको सामर्थ्य प्रदान करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी अवस्था को बनाए रखती है। ठीक। और यहाँ पर देखिए कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि देखिए कि किसी तरह से मान लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कोई विष चला जाता है, किसी दवा के थ्रू चला जाता है, या किसी प्रदूषक के थ्रू चला जाता है, तो ये जो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जो है वो यकृत की कोशिकाओं में होती है, और वो क्या काम करती है कि इस विष को अहानिकारक पदार्थों में बदल देती है, और उसका फिर कोशिका द्वारा उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, कि उत्सर्जन योग्य अहानिकारक पदार्थों के अंदर इस विष को बदल दिया जाता है, तो इस तरह से विष का प्रभाव जो है पूरी बॉडी पर नहीं पड़ता, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं निराविषीकरण। ठीक। तो इस तरह से जहर का प्रभाव हमारी बॉडी पर ये जो अंतर्द्रव्य जालिका है ये कम कर देती है या खत्म कर देती है। और इसके अलावा देखिए कि जो अंतर्द्रव्य जालिका है वो क्या बनाती है, गोल्जी उपकरण बनाती है, लाइसोसोम बनाती है, और रिक्तिकाएं भी जो पादप कोशिकाओं में बनाती हैं। इसके अलावा ये पॉइंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि प्लाज्मा झिल्ली और अन्य कोशिकीय झिल्ली जो है वो भी किसके द्वारा बनती है, अंतर्द्रव्य जालिका के द्वारा बनती है। अब आइए अगले महत्वपूर्ण कोशिका अंग के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है गाल्जी का या गाल्जी उपकरण भी इसको हम कहते हैं। गाल्जी उपकरण के बारे में सबसे पहले हमें एक साइंटिस्ट कैमिलो गाल्जी ने सन 1898 में इसके बारे में बताया था। और ये गाल्जी का है क्या, गाल्जी उपकरण है क्या, ये देखिए यहाँ पर अगर आप कोशिका का चित्र देखें तो यहाँ पर ये जो आपको संरचना इस टाइप की दिखाई दे रही है गाल्जी उपकरण ही है, और ये कई सारी झिल्लियों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर के बना होता है, कई सारी झिल्लियों से। ये जो वास्तव में थैली नुमा संरचनाएं होती हैं, और इसके आसपास कुछ द्रव भरी थैलियाँ होती है। ठीक है, इसके आसपास ये देखिए कुछ द्रव भरी थैलियाँ होती है, इसको अगर जूम करके देखें तो इस तरह से, ठीक है, कि थैली जैसी संरचना होती है, झिल्लियों से मिलकर बनी होती है, इसके आसपास देखिए कुछ द्रव भरी थैलियाँ होती है। अब यहाँ पर देखिए कि जो ER जो हमने पिछले स्लाइड में देखी थी कि ये जो ER होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हिंदी में कहते हैं अंतर्द्रव्य जालिकाएं जो होती है, इसमें जो पदार्थ बनते हैं वो कहाँ पर पैक हो जाते हैं, वो गोल्जी उपकरण के अंदर, गोल्जी काय के अंदर पैक हो जाते हैं। ठीक। और पैक होने के बाद इनको जो है कोशिका के अंदर विभिन्न भागों में और कोशिका के बाहर जो है इनको भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा भी है कि जो अंतर्द्रव्य जालिका में जो पदार्थ संश्लेषित होते हैं उनको गाल्जी उपकरण में पैक कर दिए जाते हैं, फिर उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। यानी यहाँ पर ये एक किस्म से जो है इनके अंदर पैकिंग हो जाती है इन पदार्थों की, वो पदार्थ डायरेक्ट नहीं जाते, इनमें पैक होकर के जो है वो विभिन्न कोशिका के अंदर ही विभिन्न भागों तक और कोशिका के बाहर जो है वो चले जाएंगे। तो अब देखिए कि गाल्जी काय के बारे में जो है और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती है जिसमें गाल्जी उपकरण जो है सिर्फ ट्रांसपोर्ट का काम ही, पैकिंग का काम ही नहीं करते, बल्कि जो सामान्य शक्कर जो होती है, शुगर जो होती है बॉडी के अंदर, उसको जटिल शक्कर के अंदर चेंज कर देते हैं, और गाल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। ठीक। और गोल्जी काय की अगर हम संख्या की बात करें तो अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संख्या जो है वो अलग अलग होती है, पदार्थों को स्रावित करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या जो है वो ज़्यादा होती है। तो
प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि कोशिका अंगकों के अंदर अंतर्द्रव्य तालिका क्या होती है, कितने टाइप की होती है, इसके कितने क्या क्या काम होते हैं। इसी तरह से हमने गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ा और इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और अगले लेक्चर के अंदर हम बाकी बचे हुए तीन कोशिका अंग के, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, इन तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।